प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खरगोन पहुंचे, जहां मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि देश में जो लोग पाकिस्तान का जिस साहब जिंदाबाद कह रहे हैं, ऐसी सोच को लेकर देश और प्रदेश विचार करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदू मुसलमान को छोड़ यह दो राष्ट्रों का मामला है। वही सीमी मामले में कहा कि सीमी हो या तालिबानी, सोच हो और जो भी सक्रिय होगा वो कुचल दिया जाएगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात उन्होंने सम्मान करते हुए लेकर कहा कि जेल के पुलिस अधिकारियों की बैठक और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान गृह मंत्री ने खरगोन जिले में महेश्वर उनकरई और भगवानपुरा थाना को नए भवन का लोकार्पण करके महत्वपूर्ण सौगात देकर आगामी त्योहारों को कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाने की आमजन से अपील की। कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए प्रेजेंटेशन हुआ विषय संबंध पाती जो अवैध मादक शराब का प्रकरण, इसके तार गोलग्राम ढक्कन जो बरामद हुए और इसके तार दिल्ली तक जुड़े थे, उस संबंध में भी बात हुई, ताज़ा स्थितियों पर भी बात हुई, त्योहारों पर भी बात हुई। नहीं बोलोए पूरा पढ़ के सुना, निकालना पड़ेगा मोबाइल, और वो आप सबके पास आ गया है। और गृह मंत्रालय कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी करता रहता है और हम सबको पालन करना चाहिए। सब लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आज वही कारण है कि जो पड़ोस के राज्य महाराष्ट्र में इतने केस आने के बाद, केरल में आने के बाद, हम नियंत्रित हैं। लोग रोज 70,000 से ज़्यादा हम वो सैंपल लेते हैं। कोरोना के केस आज 18 केस कोरोना के आए, 10 लोग ठीक हो गए हैं। कुल 108 केस हमारे एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं। 68,000 आज सैंपल लिए गए। तो कोरोना को किल करने की नीयत तो है सरकार की, जो बढ़ने नहीं देती। ये सच है कि आशंका WHO के और बाकी वैज्ञानिक कहते हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर हमने अभी नाइट का कर्फ्यू नहीं हटाया है। अभी हाल आप ही ने कहा कि कोरोना के कारण से गणेश जी के जो जुलूस विसर्जन के निकलते हैं, उन विसर्जनों को रोका गया। तो इसीलिए ये सब रोकने की एकदम कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, इसका एकदम नहीं फैल जाए, कोई एक पेशेंट ऐसा ना हो कईयों को फैला के चला जाए। खरगोन जिले में काफी समय से मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है, आज विज्ञापन दिया है। देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं इंदौर, उज्जैन और अन्य जगह। ये चिंता की बात है, सवाल भी अच्छा है। देश विरोधी नारे जो विकृत मानसिकता के लोग लगा देते हैं वो एक पक्ष है, लेकिन उनके समर्थन में लोग पाकिस्तान जिंदाबाद को काजी साहब जिंदाबाद का करके खड़े हो जाते हैं, ये चिंता ज्यादा है। इस तरह से दिग्विजय सिंह उनके समर्थन में आ जाते हैं, ये निंदनीय मानता हूँ मैं तो इसको, ये अच्छा नहीं है। ये सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे हो? ये हिंदू मुस्लिम का मामला थोड़ी है, दो देश का मामला है, दो धर्म या दो जाति का मामला नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद का। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।